हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज मैं आप लोग के सामने फिर से आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर. और अभी हम सब फिलहाल घर पे हैं. कोरोना वायरस की वजह से हमारे पूरे देश में कर्फ्यू लगा हुआ है, लॉकडाउन है, और इसकी वजह से हम अपने घरों से बाहर नहीं जा सकते हैं. तो बहुत लोगों को लगता है कि यार घर पर रहेंगे कैसे, मन नहीं लग रहा है. तो क्यों, मन लगाने के लिए घर पर बहुत कुछ है. आप उतने दिनों से जब काम पे आपको जाना पड़ता था तो आप लोगों को छुट्टी चाहिए होती थी, यार एक दिन तो छुट्टी मिल जाती. लेकिन अब आपको जब छुट्टी मिल रही है तो आप वो छुट्टी लेना नहीं चाहते. आपको है कि नहीं, मुझे अब बाहर ही जाना है. तो नहीं, आप घर पे रह सकते हो. किसी दिन झाड़ू लगा लो, किसी दिन पोछा लगा लो. अगर झाड़ू पोछा करने का मन नहीं है तो किसी दिन बर्तन ही धो दो. घर में मम्मी पापा की, मम्मी की कुछ हेल्प ही हो जाएगी. और अगर वो भी मन नहीं है तो खाना बना लो, कुछ तो करते रहो, आपका मन लग ही जाएगा. और फिर घर में आप बैठ के टीवी देख सकते हो. बहुत कुछ है घर में करने के लिए गाइस. और साथ ही साथ घर पे रहते रहते आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने का भी काम कर सकते हैं, जैसा अभी मैं कर रही हूँ. मैं पी रही हूँ अपना ये वेल का नोनी जूस. और ये नोनी जूस जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है. और ये इसमें बहुत सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं, फिर विटामिन ए बी सी है, आयरन है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती हैं और हमें बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखती हैं. ये हमारे हार्ट को हेल्दी रखता है, ये हमारी लीवर को हेल्दी रखता है, ये हमारी जॉइंट्स को हेल्दी रखता है, ये हमारे पूरे बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है गाइज. और ये जो नोनी जूस है ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है. इसमें आप पानी मिला के इसे पी सकते हो डाइल्यूट करके, और नहीं तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी पी सकते हो. इसका टेस्ट मीठा है, बहुत ही खट्टा और मीठा टाइप का, बहुत टेस्टी भी है. और इसमें इसे पहले लेना कैसे है, तो इसे फर्स्ट 3 डेज आपको 5 ml लेना है दिन में 2 बार. और फिर 4 to 6 डे, 4th to 6th day के बीच में आपको इसे लेना है 10 ml दिन में 2 बार. और 6th day के बाद 7th day से फिर ये आपको लेना है 15 to 30 ml. 15 to 30 ml के बीच आप इसे ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और दिन में 2 बार इसे लेना है. फर्स्ट 3 डेज और फिर 4 to 6 डे इस तरह से इसलिए लेना है ताकि आपकी बॉडी को ये अच्छे से सूट कर पाए, क्योंकि हम इसे अचानक से यूज़ करना स्टार्ट करते हैं. और ये हमें बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करता है. ये जो भी क्योंकि न्यूट्रिशंस हमें खाने से नहीं मिलते हैं, उन न्यूट्रिशन को भी ये हमारे बॉडी में बैलेंस करता है. और फिर ये और क्या क्या चीज़ें करता है मैं आप लोगों को बताती हूँ. ये गाइस हमारे सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करता है, ये फाइट करता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, उसके बाद ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई करता है. ये और दावा है नोनी जूस का कि ये 1300 डिजीज़ को क्योर करता है, ठीक करता है. और ये सच भी है. ये मैं नहीं, आप नोनी जूस को आप अगर चाहो तो गूगल पे सर्च करके भी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा. और ये जो नोनी जूस जो है ये गाइस, ये एक फल है. नोनी जो है वो एक फल है और उसका जूस है इसमें. और ये इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कलर एडेड नहीं है, ना ही शुगर एडेड है. और इसमें इसे आपको लेना कैसे है तो मैं आपको बताती हूँ. इसे आपको सुबह सुबह लेना होता है और खाली पेट में लेना होता है, ठीक है गाइस. और खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको लेना होता है. ये नहीं कि आपने इसे ले लिया और तुरंत ही खाना खा लिया. तो मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इसे लेना कैसे. मैं आपको इसकी पैकेजिंग दिखाती हूँ. इसकी पैकेजिंग कितनी अच्छी है, कितनी अट्रैक्टिव है, मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ. इसके साथ आपको ये मिलता है एक, जिससे आप मेज़र कर सकते हैं कि आपको कितने ml लेना है ये नोनी जूस, ठीक है. यहाँ पे 10 ml है, 15 ml है, फिर 30 ml है. यहाँ ये है हमारा नोनी जूस. इसका कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा ब्लैक होता है, ये ब्लैक कलर का होता है. और ये टेस्टी भी होता है. मैं आपको अब दिखाती हूँ इसे लेना कैसे है. सबसे पहले आप इसमें मेज़र कर लीजिए अच्छे से. और मतलब मैं इसे पहले से ही ले रही हूँ तो मैं इसे 15 ml लूँगी, ओके.
ये यहाँ पे मेरा 15 ml हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे इसमें डाल लेना है और देखिए यहाँ पे मैंने इसे डाल लिया। तो अगर आप चाहते हो तो इसे ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में भी ले सकते हैं, बट मैं इसमें पानी मिला के लेती हूँ तो मैं इसमें पानी मिला लूँगी। देखिए गाइस इसमें मैंने पानी डाल लिया है और अब देखिए इसे मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स हो चुका है, फिर पी लेना। ये बहुत ही हेल्दी है और अब इसे पीने के बाद आपको आधे घंटे तक के लिए कुछ भी नहीं खाना है और उसके बाद आप चाहे जो भी खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं अब आपसे मिलती हूँ बाद में, मैं आती हूँ। अभी नवरात्र चल रहे हैं तो मैं अपनी बाकी काम मेरे जो हैं वो सारे ख़त्म करके आती हूँ और पूजा वूजा करके। ओके बाय गाइज। गाइज अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है जो भी मैं सुबह में करती हूँ और आज व्लॉग शूट करने की वजह से मैं थोड़ी सी लेट चल रही हूँ अपने बाकी के दिनों से। और मेरी पूजा भी अब हो चुकी है, मैंने पूजा कर लिया है और अब मेरा नाश्ता करने का टाइम आ चुका है। ये रहा मेरा नाश्ता, ये मेरा हलवा, मेरी पालक की कचौरी और ये सब्ज़ी। और हमारे यहाँ नवरात्र में लहसुन और प्याज यूज़ नहीं होता है तो मेरे यहाँ अभी 9 दिन लहसुन प्याज यूज़ नहीं होगा। और गाइस अभी सबसे पहले मैं खाना खाऊंगी और खाने के बाद मैं फेस मास्क लगाऊंगी अपने फेस पे। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से खा लेते हैं। गाइज मेरा खाना हो चुका है और अब मैंने जैसे आपको बताया था मैं अपने फेस पे लगाने वाली हूँ फेस मास्क। तो ये रहा मेरा वो फेस मास्क, इसका नाम है फ्रूट ऑफ द अर्थ प्यूरिफाइंग मूर मड मास्क विथ एक्टिवेटेड चारकोल एंड हिजिकी एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट एंड मिनरल रिच मूर मड फ्रॉम यूरोप। ये आपकी स्किन को प्योरीफाई करता है, रिफाइन करता है और हाइड्रेट रखता है। और ये ऑल स्किन टाइप्स मास्क है तो आप चाहे आपकी स्किन मिक्स हो, ऑयली हो या फिर ड्राई हो, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं इसलिए ये लगा रही हूँ ना क्योंकि आप लोग मतलब हम डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी होते हैं। कभी कॉलेज जाना होता है, जो जॉब करते हैं उन्हें जॉब पे जाना होता है और उन सब के चक्कर में ना हम अपने स्किन का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो ये जो अभी लॉकडाउन का समय है ये बहुत ही अच्छा है, आप इसमें अपने स्किन के लिए सब कुछ कर सकते हैं जो आप उस वक्त नहीं कर पाते थे जब आप जॉब पे जाते थे या फिर कॉलेज जाते थे। तो आप मास्क लगा सकते हैं और ये आप जैसा देख रहे हैं ये जो मास्क है ये इसमें एक्टिवेटेड चारकोल है और इसकी वजह से ये पूरा ब्लैक ब्लैक है। और इसकी जो पैकेजिंग आप देख रहे हैं वो कितनी अच्छी है, अट्रैक्टिव पैकेजिंग है और ये मोदी केयर प्रोडक्ट है। तो गाइस और ये इसका जो पूरा नेटवेट है वो 100 ग्राम है और पहले भी मैंने इस मास्क का रिव्यू डाला हुआ है अपने चैनल पर। तो अब मैं इसे लगा लेती हूँ गाइज। और इस मास्क को लगाने के बाद आपको कुछ भी बोलना नहीं है किसी से, तब तक बात नहीं करना है जब तक ये मास्क अच्छे से सूख नहीं जाता है और आप इसे अपने फेस से हटा नहीं देते हैं। और इसे हटाना कैसे है तो किसी भी टॉवल को गीला करके उसके बाद इसे आपको हटाना है जब ये मास्क सूख जाए। सूखने के बाद इसे तुरंत ही आपको अपने फेस से वाइप आउट कर लेना है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर इसे रखना नहीं है आपको अपने फेस पे। तो अब मैं इसे लगा लेती हूँ। ये जैसा आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ब्लैक कलर का है, जैसा कि एक्टिवेटेड चारकोल होता है बिल्कुल वैसा ही।
गाइस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये मास्क लग चुका है और अब मैं इसे सूखने देती हूँ। दोस्तों ये सूख चुका है, देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल सूख चुका है। सूखने के बाद मैंने जैसे आपको बताया था कि इसे ज़्यादा आपको अपने फेस पर रखने नहीं देना है, तुरंत सूख जाए और सूखने के बाद आप इसे पोंछ लीजिए। गाइस आप फील करेंगे कि आपकी जो स्किन है ना वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, पहले से क्लियर रहेगी, साफ रहेगी, क्योंकि इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो आपके स्किन में जो भी पॉल्यूशन होता है, जो भी डर्ट हो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें वो खींच के निकाल देता है। गाइज मैंने अपने फेस से वो फेस मास्क पूरे तरह से हर जगह से साफ कर लिया है, अच्छे से आप देख सकते हैं, और इस वक्त मुझे अपनी स्किन बहुत सॉफ्ट लग रही है टच करने पे, बहुत ही ज़्यादा। और आप देख सकते हैं ये मेरा फेस जो है वो बहुत ही पहले से क्लियर लग रहा है। तो आप इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं, जब आपको इतना टाइम दे ही दे रही है गवर्नमेंट, घर पे रहो घर पे रहो, इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि घर पे रहो घर पे रहो, तो मान जाओ ना उनकी बात और घर पे रहो। और जो काम आप उस वक्त नहीं कर पाते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है ये सोच के, वो काम आप अब कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने अपने स्किन के लिए कुछ किया, आप भी अपने स्किन के लिए कुछ कर सकते हैं। फिर घर पे आप अंताक्षरी खेल सकते हैं फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके, फिर कैरम खेल सकते हैं अपने भाई बहन के साथ, लूडो खेल सकते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि अगर आप मन लगाना चाहो ना तो ईजिली आपका मन लग जाएगा घर पे, वरना टीवी देखो पढ़ाई करो कुछ भी करो, बहुत कुछ होता है घर पे करने के लिए। नहीं तो बहुत लोगों को होता है यार नहीं मैं कैसे घर पे रहूँगा। मैंने एक वीडियो देखी, ऐसे ऐसे तो लोग हैं, मैंने एक वीडियो देखी कि चौराहे पे लोग सिगरेट पीने के लिए निकल रहे हैं घर से इस लॉकडाउन में, कैसे लोग हैं यार। और उस पर अब पुलिस उन्हें पीट रही है, उन्हें रोक रही है, लेकिन इन लोगों को मतलब सिगरेट पीना ज़्यादा ज़रूरी है बाकी जो प्रॉब्लम हमारे देश पे आई हुई है उससे ज़्यादा। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, और कुछ ऐसा करिए जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे और अब आपके पास इतना वक्त है तो आप वो सब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करो, शेयर करो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तब तक के लिए बाय।